आदरणीय सुनील साजन जी, आप बोलेंगे फिर नेता प्रतिपक्ष। तो जी सुनील साजन जी, जरा संक्षेप में। जी जी बिल्कुल, तथ्यों के आंकड़ों पर बोलूंगा, और क्योंकि कोरोना महामारी से सिर्फ उत्तर प्रदेश और देश ही नहीं, पूरी दुनिया जूझ रही है। लेकिन दुनिया के अलग अलग देश कैसे लड़ रहे हैं, हमारा देश कैसे लड़ रहा है, और हम बात करने के लिए खड़े हुए कि आखिर हमारा उत्तर प्रदेश कितना गंभीर है। तो महोदय, यूपी में कोरोना संक्रमण की लड़ाई के नाम पर केवल फर्जी ब्रांडिंग की जा रही है, असत्य बोला जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, जमीनी हकीकत कुछ और है। आप उस कुर्सी पर बैठे हैं और आप भी जानते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। यहाँ सदन में बैठा हर माननीय सदस्य सब जानते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। मानवर सरकार कहती है कि हमारे पास 1.51 लाख कोविड बेड हैं, ये सरकार ने कहा है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि इस प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 48,511 हैं, इसमें आधे से ज्यादा होम आइसोलेशन में हैं, कुछ प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में महज सरकारी अस्पतालों में केवल 23,000 लोग भर्ती हैं, यानी सरकार के दावे के हिसाब से, जो सरकार ने दावा किया है उसके हिसाब से, उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जो सरकार के इंतजाम हैं उनमें 1.25 लाख बेड अभी खाली है। ये सरकार के आंकड़े हैं। और वहीं दूसरी तरफ पूरे प्रदेश के हर एक जिले में त्राही त्राही मची हुई है, किसी अस्पताल में बेड खाली नहीं है। एम्बुलेंस में दो दो दिन तक कोरोना से संक्रमित लोग भटक रहे हैं, एम्बुलेंस में जान गंवा रहे हैं, कहीं उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। वहीं लखनऊ में जिस तरीके की घटनाएं हम लोग देख रहे हैं, सुनने को मिलता है, टीवी अखबार में देखने को मिलता है, अब पता नहीं सरकार में बैठे लोग पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, या कौन सा चश्मा लगा लिए हैं। हो सकता है अखबार ना पढ़ते हो, वो चैनल भी ना देखते हो जिसमें बताया जाता हो कि एम्बुलेंस में ही पेशेंट ने दम तोड़ दिया। तो हम केवल एक बात कह रहे हैं कि हम लोगों ने कानपुर का एक वीडियो वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा, हम सब लोगों ने देखा, वो भारतीय जनता पार्टी का ही नेता है, किस तरीके से, मैं वो शब्द भी नहीं कह सकता भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो मैं शब्द भी नहीं कह सकता सरकार के लिए, जितने खराब शब्द उस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि ऐसी सरकार में रहना, ऐसी पार्टी का सदस्य होना जिसमें हम अपने परिजन तड़पता रहा, चिल्लाता रहा और वो मर गया, हम उसको नहीं बचा पाए, नालत है ऐसी सरकार और ऐसी पार्टी पर। हम नहीं कह रहे, ये हमने वीडियो में देखा है। मानवर, अघोषित रूप से अगर ऑडिट नहीं होना है कुछ, क्योंकि महामारी घोषित हो गई, अगर कोई चीज ऑडिट नहीं होना है, उसकी जांच नहीं होनी है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था, हमको याद है, बयान दिया था कि आपदा में भी अवसर खोजना। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने का भाव क्या रहा मैं नहीं जानता, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आपदा में जो भ्रष्टाचार का अवसर खोजा है, जो लूट का अवसर खोजा है, जो बेईमानी का अवसर खोजा है, मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री जी की यह मंशा रही होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लूट है, आप किसी से बात कर लीजिए पूरे सदन में, और आप खुद भी उसके गवाह हैं, आप किसी डीएम को फोन मिला लीजिए, किसी सीएमओ को फोन मिला लीजिए, अरे उठेगा नहीं, उठना तो छोड़ दीजिए, अगर उठ गया तो आपकी सुनेगा नहीं, किस तरीके से बात कर रहे हैं। और डीएम और सीएमओ केवल लूट रहा है, इस पर हम भरोसा नहीं करते। बिना सरकार के इशारे पर इतनी बड़ी लूट, राशन के नाम पर लूट,
मास्क के नाम पर लूट, सैनिटाइजर के नाम पर लूट, लूट बेड के नाम पर लूट, मतलब कितने तरीके के लूट। और हम तो माननीय आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से जानना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये लूट के तरीके कहां से सीखती है, कहां से ट्रेनिंग लाते हैं? मतलब नाम जब बात करेंगे तो राष्ट्रवाद का, समाज का, पिछड़े और दलित का, गरीब का। साजन जी जरा संक्षेप, मैं केवल आपके आशीर्वाद से, आपके सानिध्य में केवल जानना चाहता हूं आखिर ये लूट कैसे हो रही है। मान्यवर, जिन संस्थाओं को, अपराधियों को पकड़ना चाहिए, वो मीडिया और विपक्ष के नेताओं की जांच कर रहे हैं। दुनिया के हर सफल, मान्यवर, दुनिया के हर सफल देश में इस महामारी से लड़ने का रास्ता डॉक्टरों ने निकाला है, वैज्ञानिकों ने निकाला है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सीएम और उनकी 11 टीम, उन्होंने बहुत अच्छी एक दवा और एक इंजेक्शन निकाला है। उस इंजेक्शन का नाम है गलतफहमी और दवा का नाम है जुमला, जो सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले वो अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री को गलतफहमी का इंजेक्शन ठोकते हैं, फिर जुमले की टिकिया देते हैं और मुख्यमंत्री जी को लगता है कि पूरा प्रदेश चकाचक है, खुशहाल है, मतलब कहीं कोरोना नहीं है। मान्यवर, सरकार कह रही कि यूपी में जो उन्होंने डेथ रेट कंट्रोल कर रखी है, यूपी में 19 जुलाई तक कोरोना से कुल 1146 जाने गई थी और ठीक एक महीने बाद, मान्यवर गंभीरता से सुन लीजिएगा, सरकार का कोई भरोसा नहीं, ठीक एक महीने बाद 9 अगस्त का जो सरकारी आंकड़ा कहता है, आपका आंकड़ा कहता है, वो ये कहता है कि कोरोना से होने वाली मौतें 2733 हैं, यानी 5 महीने में 1146 मौतें और महज एक महीने में करीब 1600 मौतें, यह इनका सरकारी आंकड़ा कहता है। मैं, क्योंकि आप समय पर बांध रहे हैं, मैं केवल एक बात कह करके कि मुकम्मल जो व्यवस्था का एक और झूठ या असत्य देखने को मिला, यूपी में सरकार के आंकड़े के हिसाब से सर्वाधिक मौत 334 मौतें कानपुर में हुई, जो एक बड़ा आंकड़ा है, जो एक बड़े शहर का आंकड़ा है। दूसरे नंबर पर लखनऊ, जहां 246 मौतें हुई, यह वह शहर है जहां यूपी के बेहतरीन चिकित्सा संस्थान हैं। आपसे और इस सीएम और टीम 11 के नाक के नीचे जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, इस पर जो चीजें हैं वो सब कुछ आपके सामने है। मान्यवर, सब चीजें आ गई हैं, आ गई हैं, जो नहीं आया बस वो एक मिनट में रखूंगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी कोरोना से संक्रमित हो गया था और राजधानी के सबसे अच्छे संस्थान पीजीआई में गया था। ये बात मैं नहीं शेयर करना चाहता था, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि आप जो आईना दिखाएंगे वो तो चमचमाता हुआ होगा, वहां कोई अव्यवस्था नहीं होगी, लेकिन मैं जो देख करके आया हूं 19 दिन पीजीआई में, मैं वो सच्चाई आपको बताना चाहता हूं, सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश को बताना चाहता हूं और सदन के माध्यम से अपने सभी माननीयों को भी बताना चाहता हूं कि कोई गलत फहमी में ना रहे। हम तो ये कहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि किसी को कोरोना ना हो। हमारे ही बगल में, अब हम लोगों के बीच नहीं है, स्वर्गीय चेतन सिंह चौहान जी, मैं 13 नंबर बेड पर था और वो 14 नंबर बेड पर थे। अगर नेता सदन सुनेंगे तो आप भी आश्चर्य रह जाएंगे। मैं 11 जुलाई को दोपहर में एडमिट हुआ और माननीय मंत्री जी 11 जुलाई की शाम को 5 बजे एडमिट हुए
और अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो दुर्भाग्य है हमारा भी, मान्यों का भी, और जो लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उनका भी। 8 लोगों का वार्ड, मान्य जी, 8 लोगों का वार्ड जहां 8 कोरोना संक्रमित लोग होते हैं, डॉक्टरों की, नर्सों की और वहां की टीम आती है, तो गेट से ही पूछते हैं कि चेतन कौन है। तो माननीय मंत्री जी, क्योंकि बहुत सरल थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया, टीम आती है, उन्होंने कहा चेतन आपको कब हुआ कोरोना, तो उन्होंने अपनी बात बताई। तो फिर एक दूसरा स्टाफ बोलता है चेतन क्या करते हो तुम, वो कुर्ता पैजामा में थे, मैं तो पैंट शर्ट में था। खैर, तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं कैबिनेट मंत्री हूं, तो एक स्टाफ ने कहा कि कहां के, तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार। तो मैं सोच रहा था कि ये लोग कैसे इस बदतमीजी से बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये भरोसा हुआ कि जब माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री हूं, तब शायद वो चेतन जी कहेंगे या थोड़ा आदर करेंगे। लेकिन ये सुनने के बाद भी जब पीजीआई के स्टाफ ने कहा कि चेतन तुम्हारे घर में और कौन कौन संक्रमित है, तो मुझे गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ और सरकार पे भी गुस्सा आया। मतलब सरकार का इतना भी दबाव नहीं है भाई, कैबिनेट मंत्री के बाद कौन होता है, मुख्यमंत्री। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में केवल योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान होगा। अगर शर्मा जी को कोरोना हो गया तो आपके साथ क्या व्यवहार होगा आप सोच नहीं सकते। हम नहीं चाहते, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप तो नहीं, किसी को ना हो। लेकिन उसके बाद मान्यवर, मुझे जब गुस्सा आया, मैं अपना गुस्सा नहीं रोक पाया, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि आप जानते हैं कौन है, चलिए आप नहीं प्रभाव में आ रहे हैं कि ये योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, ये वो हैं जो देश के लिए क्रिकेट खेलते थे। तो उस डॉक्टर ने कहा अच्छा ये वो चेतन है, और ये कहते हुए डॉक्टर और स्टाफ पूरा चला गया। वो 2 दिन तक हमारे बगल में रहे, मतलब कोई, मतलब वो, मैं ये कह सकता हूं कि जिस घुटन में थे वो मनीष शर्मा जी नहीं महसूस कर सकते, और मुझे जो शब्द नहीं कहना चाहिए, वो कोरोना से हमको आपको छोड़ के नहीं गए, सरकार की अव्यवस्था से हमको आपको छोड़ करके गए। मतलब इतना गंभीर मामला। और मान्यवर, मैं दूसरी बात बता रहा हूं, मैं समाप्त कर दूंगा, अब हमारा केवल दर्द सुन लीजिए। मैं 19 दिन तक एडमिट था, 11वें दिन हमारी फिर टेस्ट हुआ, मैं फिर पॉजिटिव आ गया, फिर 4 दिन बाद टेस्ट हुआ, फिर पॉजिटिव आ गया। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने फोन से हमसे कहा कि सरकार का शासनादेश हो गया है कि तुम घर पर रह करके ठीक हो सकते हो, इस सरकार की व्यवस्था पर भरोसा मत करो, और जांच करा करके आप लिख करके देख आओ कि हमको इलाज नहीं कराना, हम होम क्वारंटीन रहना चाहते हैं। अब मैं वो बात बताने जा रहा हूं मान्यवर आपको, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि एक जांच और करा लेते हैं, हो सकता है कि हम निगेटिव आ जाए। हमारी एक जांच हुई जिसमें मैं पॉजिटिव आया, नर्स ने कहा कि आप पॉजिटिव हैं, डॉक्टर की टीम आई, उन्होंने कहा कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं हैं, हमको दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा। हमारा सुबह दूसरा टेस्ट हुआ, जब दूसरा टेस्ट हुआ, जब शाम को मैंने कहा कि हमारी रिपोर्ट क्या आई, तो उन्होंने कहा कि आपका रैपर बदल गया था, इसलिए शाम को तीसरा टेस्ट होगा। जब तीसरा टेस्ट हुआ तो सुबह हमने पूछा कि हमारी रिपोर्ट क्या है, तो डॉक्टरों ने कहा कि आपका सैंपल बदल गया है, इसलिए आपका चौथा टेस्ट होगा। हमारा चौथा टेस्ट हुआ, चौथे टेस्ट में मान्यवर जानते क्या हुआ, जब हमने रिपोर्ट पूछा तो उन्होंने कहा कि आपका फार्म तो वहां चला गया था लेकिन सैंपल नहीं गया है। तो हमने कहा पांचवा कर लो, हमारा पांचवा टेस्ट हुआ। पांचवा टेस्ट हुआ और मैंने लिखित में दिया कि हमको पीजीआई में इलाज नहीं कराना है, हम घर में रह करके जो सरकार के निर्देश हैं उनको पालन करते हुए हम स्वस्थ हो जाएंगे। मैं पहला पेशेंट हूं सरकार के निर्देश के बाद जो ये लिख करके आया कि मुझे नहीं इलाज कराना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सभी डॉक्टरों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं,
डॉक्टर भगवान की तरह दिखता, हमको भी 19 दिन भगवान की तरह दिखा और हम भगवान की तरह मानते हैं, लेकिन ये अव्यवस्था आखिर कैसे? ये हमने दो दो कैबिनेट मंत्री खो दिए। मैं एक मिनट में बात खत्म करूंगा, अब बहुत हो नहीं, एक मिनट में खत्म, एक मिनट में, क्योंकि हमारे जो विधायक हैं पूर्वा विधानसभा से, बसपा से जीते थे, आपके यहाँ चले गए, किस दबाव में गए मैं नहीं जानता, अपने मन से गए या इन्होंने भगाया मैं नहीं जानता, लेकिन क्योंकि हमारे गांव के बगल के हैं, तो जब मैं पीजीआई में एडमिट था, जब उनको मैंने देखा मोबाइल पर कि उनको भी कोरोना हो गया, तो मैंने उनसे कहा कि आप अस्पताल में एडमिट हो जाइए। उन्होंने कहा नहीं, हमारी महाराज जी से बात हो गई, हम घर ही में रहेंगे। हमने कहा भाई बाकी में सब महाराज जी पर भरोसा कर लेना, कोरोना में महाराज जी पर भरोसा मत करो। उन्होंने लेकिन भरोसा किया, लेकिन 3 दिन बाद उनको जब हालत बिगड़ी तो वही पीजीआई पर आए, वही एडमिट हुए, और उनकी 2 दिन में वो हालत बिगड़ी कि वो बेहोश हो गए, उनको आईसीयू में जाना पड़ा। उन्होंने मुझसे फोन पे कहा कि हमने हेलीकॉप्टर कर लिया है एम्बुलेंस, हम दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं, संपन्न हैं। जब सुबह मैंने पूछा कि आप किस समय निकल रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे फोन पे कहा कि महाराज जी ने मना कर दिया, कहा कि हम दिल्ली के डॉक्टर बुला लेंगे, लेकिन यहां से अगर कोई पेशेंट जाएगा तो पूरा देश और दिल्ली जान जाएगी कि उत्तर प्रदेश की क्या व्यवस्था है। तो डॉक्टर तो वहां से नहीं आए, और बाद में हमारे माननीय मंत्री जी को वेदांता जाना पड़ा, दिल्ली जाना पड़ा, पूरा देश जान गया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के नाम पर केवल लूट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। यह देश का इकलौता प्रदेश है जिसने दो दो हमारे कैबिनेट मंत्री खो दिए हैं अपनी अव्यवस्था से। हम सब लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी है, लेकिन हम आपसे केवल अनुरोध करेंगे कि अभी कोरोना खत्म नहीं हो गया है, महामारी से हम आप सब लोग लड़ रहे हैं, सरकार लड़ रही है, उसका सरकार लड़ रही है, लड़ते दिख रही है, उसका नजरिया केवल ये है, वो इसलिए लड़ते दिख रही है कि उसको पैसा चोरी करना है, उसको लूट करनी है, जो हमारा पैसा गया है, जो सैलरी गई है वो लूट करनी है। तो ये मान्यवर लूट बचाइए, और इतना गंभीर मामला है, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि सदन की कार्यवाही रोक करके चर्चा कराए जाने की मैं मांग करता हूँ। ठीक साजन जी, हाँ केवल एक मिनट में आदरणीय भदौरिया जी, केवल एक मिनट, बस एक मिनट में।